प्राचीन मिश्र के लोग ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे जिसे आज भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या आपको पता है कि प्राचीन मिश्र के लोग नाक के द्वारा दिमाग को निकाला करते थे और वो लोग मृत शरीर को ममी बनाकर सुरक्षित रखते थे? आखिर वो ऐसा क्यों करते थे, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। मानव इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आज तक कई प्रकार की सभ्यताओं का जन्म हुआ और बहुत सी सभ्यताएं समय के साथ विलुप्त हो गई। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में कुछ सभ्यताएं ऐसी भी थी जिनकी टेक्नोलॉजी, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था आज से कहीं अधिक विकसित थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी सभ्यता के बारे में बताएंगे जिनकी टेक्नोलॉजी आज भी वैज्ञानिकों की समझ से परे है। ये सभ्यता है प्राचीन मिश्र की। प्राचीन मिश्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे पूर्वी उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी जिसे आज हम आधुनिक मिश्र के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता 3150 ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आई। यहाँ राजाओं को फैरो कहा जाता था। मिश्र की सामाजिक सभ्यता कितनी उन्नत थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पुरुषों और महिलाओं के पास सभी प्रकार के समान अधिकार मौजूद थे। यहाँ तक कि प्राचीन मिश्र में कुछ महिलाओं ने तो वहाँ के शासक के तौर पर भी काफी समय तक राज किया था। प्राचीन मिश्र के लोग ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना भी सीख गए थे क्योंकि वे जानते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पे व्यापार करने के लिए उन्हें नील नदी से होके गुजरना पड़ेगा। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने तकनीकी तौर पर जहाज बनाने भी शुरू कर दिए थे और वो इस कार्य में सफल भी हुए। प्राचीन मिश्र के लोग तकनीकी के साथ साथ धार्मिक रूप से भी परिपक्व थे। वो लोग परमात्मा और पुनर्जन्म में काफी विश्वास रखते थे। उनके पुनर्जन्म में विश्वास रखने के सबूत आज भी हमें मिलते हैं और ये सबूत है मरे हुए लोगों की ममी बनाकर उन्हें दफनाना। प्राचीन मिश्र के लोग ऐसा मानते थे कि मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, इसलिए वे लोग मरे हुए व्यक्ति की ममी बनाकर उन्हें दफनाया करते थे। वे लोग पुनर्जन्म को इतना मानते थे कि मरे हुए व्यक्ति की ममी के साथ उसकी पसंद की हर चीज रखी जाती थी। मरे हुए व्यक्ति के शव को लेप लगाने की जो विधि प्राचीन मिस्रवासी इस्तेमाल करते थे उसे ममीकरण कहा जाता है। विशेष प्रक्रियाओं का उपयोग करके वे लोग शरीर से सारी नमी हटा देते थे, केवल एक सूखा हुआ रूप छोड़ दिया जाता जो आसानी से सड़ता नहीं था। उनके धर्म में मृत शरीर को जीवित तरीके से संरक्षित करना एक महत्वपूर्ण परंपरा थी। वे लोग इस काम में इतने सफल थे कि आज भी हम एक मिस्रवासी के ममीकृत शरीर को देख सकते हैं और यह अच्छी तरह से जान सकते हैं कि 3000 साल पहले वह कैसा दिखता था। क्योंकि मिस्र में ज्यादा बारिश नहीं होती है, संयोगवश रेत में खोदे गए गड्ढों में दबे हुए कुछ पुराने शव सूखी रेत और हवा की वजह से अपने आप ही संरक्षित हो गए थे। इसी बात से प्रेरित होकर लगभग 2600 ईसा पूर्व मिस्रवासियों ने जानबूझकर मरे हुए लोगों के शवों को ममी बनाना शुरू कर दिया था। यह प्रथा लगभग 2000 साल तक जारी रही। सबसे अच्छी तरह से तैयार और संरक्षित ममियां लगभग 1570 से 1075 ईसा पूर्व की है और इनमें तूतनखामेन और अन्य प्रसिद्ध राजाओं की ममियां शामिल है। ममीकरण के इस प्रोसेस में उनको लगभग 70 दिन लगते थे। ममीकरण की इस प्रक्रिया में पहला कदम उन सभी आंतरिक अंगों को हटाना था जो बहुत जल्दी सड़ सकते थे। मस्तिष्क, पेट, लीवर, फेफड़े और आंत, ये सभी अंग जल्दी सड़ने वाले होते हैं क्योंकि इनमें नमी होती है। इसीलिए ममीकरण की प्रक्रिया में इन सभी अंगों को शरीर से बाहर निकाल लिया जाता था। दिमाग के टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए विशेष हुक वाले उपकरणों को नाक के माध्यम से सावधानी पूर्वक अंदर डालकर दिमाग को निकाल दिया जाता था। उसके बाद मृत व्यक्ति के पेट को बाईं ओर से काट कर पेट और छाती के अंगों को निकाल लिया जाता था। वे लोग दिल को नहीं निकालते थे बल्कि दिल को मृत शरीर में ही छोड़ दिया जाता था क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि दिल व्यक्ति के अस्तित्व और बुद्धि का केंद्र होता है। दिमाग, पेट, लीवर, फेफड़े और आंतों को अलग से एक विशेष जार में रखा जाता था जिन्हें आज कैनोपिक जार कहा जाता है।
इस जार को भी शरीर के साथ रख कर दफनाया जाता था। इसके बाद वे लोग मृत शरीर को नेट्रॉन से ढककर शरीर से सारी नमी निकाल देते थे। नेट्रॉन एक खास प्रकार का नमक होता है जिसमें नमी को सुखाने के बहुत अच्छे गुण होते हैं। नेट्रॉन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब शरीर से सारी नमी पूरी तरह से सूख जाती तो नेट्रॉन को हल्के से धो दिया जाता। इसके बाद एक बहुत ही सूखा हुआ लेकिन पहचानने योग्य मानव रूप बनकर तैयार हो जाता था। ममी को और भी अधिक वास्तविक दिखाने के लिए शरीर के धंसे हुए हिस्सों को लिनेन और अन्य चीजों से भर दिया जाता और नकली आंखें जोड़ दी जाती। इसके बाद रैपिंग का प्रोसेस शुरू होता था। एक पुजारी मृत शरीर के चारों ओर सावधानी से लिनेन की लंबी पट्टियां लपेट देता और कुछ लिनेन की पट्टियों पर प्रार्थनाएं और जादुई शब्द लिखे जाते थे। अंत में कफन को उसकी जगह पर लपेट दिया जाता। इस तरह से ममीकरण की प्रक्रिया पूरी होती थी। हालांकि कब्र की तैयारी आमतौर पर व्यक्ति की वास्तविक मृत्यु से बहुत पहले ही शुरू हो जाती थी, लेकिन वो लोग आखिर शरीर को सुरक्षित क्यों रखते थे? मिस्रवासियों का मानना था कि ममीकृत शरीर इस आत्मा का घर है। यदि शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा भी नष्ट हो सकती है। आत्मा जब चाहे इस शरीर में वापस लौट सकती है और शरीर का पुनर्जन्म हो सकता है, इसीलिए वे लोग मृत शरीर को ममीकरण करके सुरक्षित रखते थे। मरने के बाद आमतौर पर मिस्र के राजाओं को ममीकृत किया जाता था और कभी कभी आम लोगों को भी, क्योंकि यह प्रक्रिया महंगी थी और कई लोगों की क्षमता से परे थी। धार्मिक कारणों से कुछ जानवरों को भी ममीकृत किया गया था। बैल, बबून, बिल्लियां, पक्षी और मगरमच्छ, इन सब का मिस्र के राजवंशों में बहुत धार्मिक महत्व था, इसलिए कभी कभी इनको भी ममीकृत कर दिया जाता था। प्राचीन लेखक, आधुनिक वैज्ञानिक और स्वयं ममियां सभी हमें मिस्र की ममीकरण प्रक्रिया और उस संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। आज इस प्रक्रिया के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह हेरोडोटस जैसे प्रारंभिक इतिहासकारों के लेखन पर आधारित है, जिन्होंने लगभग 450 ईसा पूर्व मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान इस प्रक्रिया को पन्नों में दर्ज किया था। आधुनिक एक्सरे के विकास से अब ममियों का एक्सरे करना संभव हो पाया है। एक्सरे का अध्ययन करके और शव का परीक्षण करके विशेषज्ञ मिस्रवासियों को होने वाली बीमारियों और उनके चिकित्सा उपचार के बारे में अधिक जानकारी ले रहे हैं।